हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो ना कई दिन हो गए थे, बीच में एक दो दिन मैंने ढंग से ब्लॉग्स डाले भी नहीं है ना बनाए, बस घर में घर के कामों में ही उलझी हुई थी। आपसे काफ़ी बातें करनी थी, तो दिन का टाइम था और मैं थोड़ा सा अपना स्टोर रूम सेट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा हो जाता है ना, तो खाली बैठी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो सोचती हूँ चलो भाई अपना स्टोर रूम ठीक कर लेती हूँ, अपना रूम ठीक कर लेती हूँ। तो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखिए, मुझे दो बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि मैं ना जिम ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया है, मतलब मेरा कम से काफ़ी हद तक कंफर्म हो गया है, क्योंकि मैंने ना हर सब कुछ करके देख लिया है। मैंने अपना वॉक करके भी देख लिया, मतलब एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ, पर जो इमोशनल स्ट्रेस मेरे ऊपर है काफ़ी ज़्यादा, मैं उसके बारे में जैसे ही सोचने लगती हूँ, और मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक अपनी डाइट ठीक रखती हूँ, बट रात को ना जब मम्मी सो जाते हैं उसके बाद वही पुरानी यादें एकदम से दिमाग में घूमती रहती हैं, कोई होता नहीं किसी से बात करके मैं अपनी बातें शेयर करूं। तो मैं क्या करती हूँ फिर, अब फूड को अपना दोस्त बना लेती हूँ। उस टाइम मैं पता है क्या करती हूँ, मैं बहुत ही बाहर का अड़ंगा खाने लग जाती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं मीठा खाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा, जैसे वहाँ पे कोच होते हैं, आपको जिम ट्रेनर होते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट करेंगे, और मैं भी अच्छे से मोटिवेट हो जाऊँगी, जैसे मुझे समझाएंगे कि नहीं आपको ये करना ही करना है। तो एक ना जैसे हम जैसे ट्यूशन भी जाते हैं, मैं सोच रही थी, पहले पता है क्या होता है मेरे लिए, जब मैं यूट्यूब पर आई थी ना, उस टाइम मेरे लिए मुश्किल था, मैं जिम ज्वाइन नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो मेरे हाथ में पैसे ही नहीं थे, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं, और 2000 रुपये में जिम की फीस मैं कहाँ से दूँ, उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये। इवन मैं जब नौकरी भी करती थी ना, जब इंसान 15000 रुपये महीने के कमाता है ना, तो 2000 रुपये जिम के देने बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको लगता है यार 2000 में तो राशन आएगा, घर का खाना पीना आएगा, ये मेंटेलिटी होती है, मेरी भी यही रही है शुरू से। पर अब मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं 3 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, मतलब मैं महीने महीना करके ही पैसे दूंगी, मैं पूरे 3 महीने के नहीं दूंगी, 1 महीने के 2000 रुपये दे दूंगी मैं, पर अपनी हेल्थ अच्छी हो जाए। अगर मैं मान लो ज़्यादा ना सही 3 महीने भी अगर मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मेरी फिटनेस आ जाएगी और एक रूटीन बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैं ना जब से सनी गुजरे हैं, सनी को गुजरे 2 साल हो जाएंगे, मैं घर में हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाहर किसी से मिलती हूँ, बाहर नए लोगों से नहीं मिलना है मेरा कुछ भी, घर में बैठी रहती हूँ, तो वही है ना, डिप्रेशन तो आएगा ही जब आप घर में रहते हो, आपका कोई रूटीन ना हो। चलो ठीक है, मैं घर से अर्न कर लेती हूँ, मैं वीडियोस बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी रहती तो उन्हीं 4 दीवारी में ही हूँ ना, उन्हीं वही मम्मा दिखते हैं, पापा दिखते हैं, मेरे को मेरा बच्चा दिखता है, मैं दिखती हूँ, और फिर मेरी वही खाली लाइफ दिखती है जिसमें मैंने अपना हस्बैंड नहीं खो दिया है। तो वही चीज़ें बैठी खाली बैठी सोचती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक ना नौकरी करने में, जैसे आप बाहर कंपनी में जाते हो और आप घर से काम करने में, ये फ़र्क तो होता ही है। नौकरी पे जब आप जाते हो ना, तो आपको 4 बंदे दिखाई देते हैं आसपास, तो आपको अच्छा खासा ना, मतलब एक आपका एक सर्कल बन जाता है, आपसे 4 लोग बोलते हैं, तो आपका मन भी लगा रहता है। और यहाँ पे देखो ना, मैं सुबह उठती हूँ, अपना घर में ही रहती हूँ, तो वैसे ही डिप्रेशन तो आएगा ही ना घर में रहते हुए, और फिर वही है, खुद के लिए कितना सोच लो लेकिन नहीं होता। और फिर ये बात है ना, जब स्टार्टिंग का टाइम था, उस टाइम मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मैं उसको छोड़ के 1.5-2 घंटे जा ही नहीं सकती थी घर से बाहर, 2 घंटे इम्पॉसिबल था मेरे लिए टाइम निकालना, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंड था। मैं बाजार भी जाती थी तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था, बट अब विहान भी देखो, अब आने वाले महीनों में 2-3 महीने में 2 साल का हो जाएगा, तो अब वो इतना है, समझदार है कि 2 घंटे मेरे बिना रह सकता है आराम से। तो यही सोचा है मैंने कि मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, 1-1 महीने की फ़ीस दूंगी मैं, और 2-3 महीने में मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, तो ना मेरे को मेरी फिटनेस वापस मिल जाएगी, मेरे को बहुत ज़रूरी है फिटनेस, मुझे वापस चाहिए, अपनी हेल्थ मेरे को वापस चाहिए, जो मैंने खो दी है पिछले 1.5 साल से, मैं सब कुछ करके हार गई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तो एक बार अगर आपसे खुद से कुछ नहीं हो रहा होता, तो आप अगर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत अगर आपको होती है, तो आपको ले लेनी चाहिए। मेरा
तो ये मानना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर का सारा तय करके स्टोर रूम के कपड़े वगैरह सही से लगा दिए थे। अब मैं काम करती हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, और मैं वो ढूंढ रही थी कूड़ा उठाने वाला, मैंने ना कहीं रख दिया था, मैं बस वो ढूंढने में लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ रख दिया। तो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, सफाई थोड़ी थोड़ी साथ के साथ हो जाए ना तो सही रहता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, किसी दिन जैसे स्टोर रूम अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, किसी दिन मैं रसोई अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो इससे ना घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है। और मुझे एक और बात करनी थी कि आपको मैंने बताया था कि एक सर है जो मतलब आप लोग मेरे को कमेंट भी कर रहे थे, आप मुझे कह रहे थे कि लोग इतना इतना स्ट्रगल करते हैं, मुंबई में जाते हैं, उनको फिल्में नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलता, आपको घर बैठे कैसे काम मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, मैं ये बात सच है, मैं अपने घर पर बैठी अपना बच्चे के साथ खेल रही थी, और मेरी मम्मा आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि देख कोई आए है जो कि ना अपना कुछ उनको प्रमोशन वीडियो बनवानी है उनके सामान की, जैसे सर्फ वगैरह उसका सामान था हार्पिक का, उन्होंने कुछ डीलिंग में काम कर रखा है। तो उन्होंने उनसे मैंने बात करी, तो उनको यूट्यूब का चैनल था मेरा, तो उन्होंने मेरा देखा पूछा, तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि आपकी पर्सनैलिटी हमें अच्छी लगी, आपका आपको ऐसा लगता है कि आपका कर सकते हो, तो हमारे काफ़ी लिंक है बॉलीवुड में, और आपका काम करवा देंगे हम आपका, और आपको फिल्म में, वो तो सीधा सर फिल्मों की बात कर रहे हैं, बट मैं तो ये सोचती हूँ कि फिल्म में ना सही, अगर सीरियलों में भी मिल जाए काम वो भी ठीक है, अपना सही है अगर इसमें भी काम सेट हो गया तो। तो देखिए, मैं सब मुझे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या इंटेंशन हो क्या हो, तो मेरे को नहीं पता, देखो इंटेंशन का मुझे नहीं मालूम। और यहाँ पे देखिए, पापा जी गोलगप्पे लेकर आए थे और सारे मेरे को खिला दिए, बोलते तू ही खा ले, और मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो मैं भी अपना खाने लग रही थी, काफ़ी टाइम बाद आए थे तो सोचा खा ही लेती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, मैं एक ऐसी लड़की रही हूँ जो अपने हिसार से घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ, आज तक मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, और मेरे लिए अपने छोटे से शहर से मुंबई में जाना, वो भी एक इंसान के भरोसे जो आपको कह रहा हो कि नहीं वो आपको काम दिलवाएगा, आपको आपको रोल्स मिल जाएंगे, आपको एक्टिंग में चांस है आपका, तो मैं किसी इंसान के भरोसे मैं वहाँ तक जाने की सोच सकती हूँ। तो सोच के देखिए कि ये मेरे लिए कितना बड़ा डिसीज़न होगा मेरी लाइफ का। लेकिन मुझे अंकल पे ना इसलिए भी एक भरोसा है, एक तो उनकी एज है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 30, 35, 40 साल के हों, वो अच्छे खासे हैं, मेरे पापा जी की उम्र के हैं, तो एक थोड़ा सा भरोसा हो जाता है। और उन्होंने मुझे फ़ोटोएँ दिखाई हैं, सारी फ़ोटोज़ दिखाई हैं मेरे को, जिन हर एक एक्टर के साथ उन्होंने एज अ PSO कहते हैं आई थिंक, सिक्योरिटी का जो होता है, सिक्योरिटी में जैसे होते नहीं है कि जैसे इनकी जो सिक्योरिटी करते हैं, तो ऐसा काम किया है, तो बिल्कुल साथ खड़े होकर उन्होंने काम किया है, तो होता है ना बातचीत तो हो ही जाती है, अगर आप काम करते हो किसी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो आप इतने स्टार्स के साथ रहे हो तो इतना तो कॉन्टैक्ट हो ही जाता है ना। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, हाँ मुझे ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगी कि अंकल ने बोला कि वो मेरे साथ मुंबई जाएंगे, तो एज अ मैं भी सोचती हूँ कि देखो कि अंकल मेरे लिए मेरे साथ मुंबई जाने के लिए मतलब तैयार हैं, मतलब कोई इंसान अपना इतना टाइम दे, तो क्या पता हो सकता हो कि उनके अंदर नेक दिली हो, वो उनकी इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, सोच रहे हो कि चलो इनका भी काम बन जाएगा इस लड़की का, ये हो सकता है। तो मैंने कहा, उन्होंने बल्कि ये भी बोला अंकल ने कि वो मेरे पापा जी से भी बात करेंगे आके, सारा कुछ अच्छे से उनको समझाएंगे, और आपको जब जाना होगा ना मुंबई, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी, आप जिसको साथ लेके जाना चाहते हो आप साथ लेके जा सकते हो। तो मैं तो फिर अगर ऐसा सब कुछ अगर सही चलता है तो थोड़ा अच्छे से भी और भी चीज़ें मैं पूछ लूँगी पहले जाने से पहले। और एक्चुअली आपको पता है ना, वो जो प्रॉपर्टी डीलर सर है, मैं उनसे बात करवा दूँगी, वो बात करके अच्छे से पूछ लेंगे, क्योंकि वो भी मुंबई में रहे हैं एज अ मीडिया पर्सन, वो मुंबई में रहे हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है, आपको पता नहीं है, उन्होंने उन सर ने ना जैसे होता है नहीं फिल्मों में एक्ट्रेसेस वगैरह के जैसे इंटरव्यू लेना या फिर ये इसी टाइप का काम किया हुआ है उन्होंने, उनके पास कार्ड भी है मीडिया का, तो उनसे मैं पूछ लूँगी, क्योंकि उनको भी काफ़ी हद तक नॉलेज है, तो उनसे बात करवा दूँगी, उनसे भी थोड़ा सलाह ले लूँगी कि ना वो क्या कहते हैं इस बारे में।
तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से जाऊंगी, मैं थोड़ा अच्छे से बातचीत करूंगी, वो भी बात करेंगे, उसके बाद मैं देखूंगी। और इतने तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ये सब चीज़ें सच में हो सकती हैं तो मैं अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दूँ 1-2 महीने। अब ये मैंने खा तो लिए गोलगप्पे, बट आने वाले दिनों में 1-1.5 महीना जब तक मेरा मुंबई जाना नहीं होता, मैं अपनी थोड़ी एक्सरसाइज करके 2-4 किलो वजन ही कम कर लूँ, अपना बॉडी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे देती हूँ, ये कर सकती हूँ ना मैं। इसके अलावा बस ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। और ठीक है, अगर माई चांस मेरा कोई लक नहीं है, आप कहते हो कि कोई चांस नहीं है, आपको कौन काम देगा, अगर ठीक है मुझे काम नहीं भी मिलता है तो मैं लाइफ में कभी भी मुंबई नहीं गई। इस बहाने चलो मैं ये सोच लूँगी कि अपने बच्चे के साथ मैं मुंबई घूम आई, ये भी तो बात ठीक है ना, कहीं बाहर मैं गई भी नहीं हूँ आज तक। मैंने मुंबई तो छोड़ो, मैं बताऊँ, मैं जब 23-24 साल की थी ना, मैं तब तक भी हिसार से कभी बाहर नहीं गई थी। सिर्फ हिसार से बाहर मैं सिर्फ गई थी तो सिर्फ अपने करनाल या फिर चंडीगढ़, बस 2 जगह गई थी, क्योंकि करनाल में मेरी मम्मी रहते थे और चंडीगढ़ में मेरे पापा जी की फैमिली थी। उससे बाहर मैं कभी कहीं बाहर नहीं गई हूँ, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, हमने गोलगप्पे खा लिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा क्या करना चाहिए मुझे।